ये काम दिनकर जी हमारे बीच करके गए हैं। दिनकर जी ने हमें कुछ कहा भी है, लेकिन शायद वो बातें भूलना अच्छा लगता है इसलिए लोग भूल जाते हैं। एक बार कुछ बुराइयां समाज में आती रहती है, हर बार आती रहती है, हर युग में अलग अलग प्रकार की आती हैं, लेकिन किसी ने ज्ञाति के जाति के आधार पर दिनकर जी के निकट जाने का प्रयास किया। उनको लगा कि मैं आप ही की बिरादरी का हूँ, आपकी जाति का हूँ, तो आज मेरा हाथ पकड़ लीजिए, अच्छा हो जाएगा। और वैसा रहता है समाज में ये कोई, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी दिनकर जी की सोच कितनी सटीक थी, वरना उस माहौल में कोई भी फिसल सकता है। और वे तो स्वयं राज्यसभा में थे, राजनीति को पूरी तरह निकटता से देखते थे, अनुभव करते थे, लेकिन उस माहौल से अपने आप को परे रखते हुए उस व्यक्ति को उन्होंने मार्च 1961 को एक चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी में जो लिखा गया है, बिहार को सुधारने का सबसे अच्छा रास्ता यह है कि लोग जातियों को भूलकर गुणवान के आदर में एक हों। याद रखिए कि एक या दो जातियों के समर्थन से राज नहीं चलता, वह बहुतों के समर्थन से चलता है। यदि जातिवाद से हम ऊपर नहीं उठे तो बिहार का सार्वजनिक जीवन गल जाएगा। मार्च 1961 में लिखी हुई चिट्ठी आज बिहार के लिए आज भी उतना ही जागतिक संदेश है। यह किसी राजनीति से परिचित व्यक्ति के शब्द नहीं है,